गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा महामना का बगिया। हम आपको बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमसीए के छात्र गौरव सिंह को बिरला छात्रावास के समीप चौराहे पर दर्जनों की संख्या में छात्र आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी अचानक बाइक पर सवार होकर दो अज्ञात व्यक्तियों ने एमसीए के छात्र गौरव सिंह के पेट में गोली मारकर फरार हो गए। वहीं गोली लगने के बाद छात्र गौरव गिर गया, तभी अचानक सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची कई थानों की फोर्स जांच में जुट गई है। फिलहाल गोली लगने वाले छात्र गौरव को ट्रामा सेंटर अस्पताल में ले गया गया, डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। फिलहाल लोगों ने परिवार वालों को सूचना दे दिया। हाँ तो ठीक है, हम अपना ड्यूटी कर चुके हैं मंगलवार को। क्या मामला है? आज शाम को लगभग 6:30-7 बजे बीएचयू के एक छात्र गौरव सिंह को गोली मार दी गई थी, जिसको पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जहाँ पे उसने दम तोड़ दिया। क्या किस तरह का रंजिश वगैरह? ये छात्रों की आपसी रंजिश का मामला है, इनमें पहले भी छोटा मोटा झगड़ा कुछ हुआ था। सर कितने लोगों की गिरफ्तारी? अभी इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि जिलाधिकारी कह रहे थे कि रासुका भी लगाई जाएगी, तो उसमें क्या कार्रवाई हो रही पुलिस की? हाँ, निश्चित तौर पे इसमें पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, और यदि नियमानुसार रासुका बनता है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। किन किन धाराओं में? अभी तो मुकदमा 302 में दर्ज हुआ है। बीएचयू में एमसीए का था गौरव सिंह, जिसकी कल जो है आपसी रंजिश में जो है गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसके तहत बीएचयू कैंपस में जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट शांति व्यवस्था के लिए लगाया गया है। हाँ, इसमें दबिश पड़ी कल रात में और कुछ लोग उसमें हिरासत में आए हैं, FIR दर्ज कर ली गई है, इसकी मिशन चल रहा है। पोस्टमार्टम हो गया, इस समय क्रिमिनल चल रहा है हरिचंद घाट पर। सर ये कुछ अभी क्या स्थिति है कैंपस में? क्योंकि बिल्डिंग शांति व्यवस्था है, शांति व्यवस्था बनी हुई है, फोर्स रिप्लाई है। किया जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि जो मृतक के पिता हैं उन्होंने तहरीर दी है कि प्रोफेसर के खिलाफ भी जो है ये मामला बनते हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाए, FIR में उनका भी नाम दर्ज कराया गया है। अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। क्या प्रोफेसर विशेष पांडे के साथ अविनाश तिवारी की एबीपी न्यूज़। हवा
आज तक हम लोगों ने कोई बात नहीं मानी, आप लोगों की बातें मानी, लेकिन अब क्या रह गया, आप लोगों की बातें कड़ी की तरह हो गई है। या आप बैक फुट पे हुए हैं कहीं, इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। ये लोग क्या बात करेंगे, आपकी बात की वैल्यू सामने पूछा। पद पद पाने के लिए दलाली कमीशन खोली थी, लेकिन क्या क्या नहीं कर देते हैं अभी, क्या बताएं? अभी इन्हीं लोगों में से कुछ लोग तैयार हो जाएंगे जांच कमेटी चेयरमैन बनने के लिए, तो सर बन जाएंगे। अपना इतिहास भूगोल नहीं पता, अपना बेटा बहू पतों से लेके अपने वाइफ से लेके सभी लोग अवैध तरीके से नौकरियां लगवाते हैं, ये लोग बात करेंगे। हम लोग तो आज तक जितना सैक्रिफाइस किया उतना विद्यालय में कोई नहीं सैक्रिफाइस किया होगा। मोबाइल जिंदगी के लेके सब कुछ ये लोग दांव पे लगा दिए थे, सुन ही नहीं रहे। आपका लड़का गुजरेगा जिस दिन बेटा गुजरेगा उस दिन दर्द पीड़ा क्या होगी, बेटे की समझ में आएगी। बना याद रखिएगा, जब आपको नहीं समझ, जो आदमी शाम के बाद आया सुबह नहीं मानते, लेकिन आप लोग हम लोग का हमेशा यूज करते हैं, हमेशा आप लोग हर बात आप लोग ये बीएच में घटना नहीं होती। आचार कैसा, कैसा आचरण, इन लोग का आचरण नहीं है, इनका आचार संहिता नहीं लगती है क्या? वो नैतिकता तो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो नैतिकता नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते हैं। बोलो तो क्या लगा रहे हैं, हम क्या है, हम छात्र हैं। ये क्या है गुरुजन, किस बात का गुरुजन? जो आप काम तत्कालीन प्रभाव से कर सकते हैं वो आप कर दीजिए, हम लोग सर भैया को 24 घंटे का गिरफ्तारी के। सर जब मुकदमा हो गया, ये बताइए कि एक छात्र के ऊपर किसी भी चीज का मुकदमा होता है उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाता है? यहाँ तो हत्या हुई है और मैडम के खिलाफ, मैडम 2 दिन पहले उन सबों को बुला के मीटिंग भी की थी, उसका भी CCTV फुटेज होगा। बिरला ए, बिरला बी, LBS, राजा राम, ANDI, सारे छात्रावासों में चेकिंग होती है, बिरला सी में क्यों नहीं चेकिंग होती है? क्योंकि वो खुद अवैध रूप से अपने पाले हुए टट्टुओं को रखती है और यूनिवर्सिटी में अवैध कार्य करवाती है। किसी से छुपा है, किसी के बोलने की अवकाश थोड़ी नहीं है। जब वो छात्रों में छिड़काने लगा देती है तो आप लोग तो छोड़ेंगे, आप लोग अपनी जिंदगी बचाइए, जाके जो करना होगा करिए। तो यहाँ पे क्या है, तब हम क्या करें? बहुत नैतिक शिक्षा पढ़ाते हैं लोग, मैं बताया भी इतिहास खोलता हूँ, क्या बताएंगे भैया, ये सब जाके लोग बतियाएंगे, जाके अपने बचाने की दुख हम लोग को हुआ, आप लोग को दुख नहीं हुआ। वो रुक जाएंगे ऑन करके बोल पाते क्या बात है? देखिए हमारी करीब काफ़ी समय से लंबी वार्ता चली जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच, और काफ़ी विषयों पे हम एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ये दावे के साथ कह सकते हैं कि निष्कर्ष पे भी पहुंचे नहीं हैं। तो ठीक है, हेलो।
बढ़िया भैया। चला जाए अंदर। बात लड़कों के साथ आपकी बातचीत हुई, बीच प्रबंधन के साथ में था, क्या निष्कर्ष निकला अभी? जैसे ही कल ये दुखद घटना हुई, इसके तुरंत बाद पूरा जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल हैं, मौके पर पहुँच के जैसे ही बात हुई, पहले उनका इलाज कराया और जो चश्मदीद गवाह थे उनसे तुरंत बात करके नाम नोट करके छापेमारी कार्रवाई की गई और विद इन वन आवर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो अब जो इशू है वो जो स्टूडेंट की डिमांड होती है हमेशा या किसी भी घटना में डिमांड होती है कि तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, तो जो नाम बताए थे उन्होंने, चश्मदीद गवाहों ने, जो उनके साथीगण थे, उनको तत्काल गिरफ्तार किया गया। सभी लोग पकड़ में आ गए और FIR दर्ज हुई। उसके बाद लड़कों से लगातार, जो स्टूडेंट्स हैं उनसे लगातार वार्ता की गई कि ताकि उनको सारी चीज़ें कम्युनिकेट होते रहे कि क्या एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ है। और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहुत लंबी बातचीत कल भी हुई और आज भी बहुत सारी बातें हुई। इससे पहले जो भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर हुई उसमें हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सजेशन दिए थे और एक्सपेक्टेशन की थी ये चीज़ें होनी है, उनमें से कुछ हुई कुछ नहीं हुई, तो उन पर आज फिर से रीएश्योरेंस यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से लिया है कि ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। यहाँ 35,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो चंद स्टूडेंट्स की वजह से, उनके क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से बाकी बच्चों के एकेडमिक एटमोसफेयर को बर्बाद नहीं होने देंगे। और जो ये जिन्होंने ये वारदात की है उन सभी लोगों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी एग्जेम्पलरी कार्रवाई होगी कि वो दोबारा उनके खिलाफ एक्शन को देखते हुए बाकी लोगों की यूनिवर्सिटी में इस तरह की एक्टिविटी करने की हिम्मत ना हो। तो छात्रों ने सर क्या बात आपकी कही, अब जो उनका धरना चल रहा है क्या वो उसको भी ख़त्म करेंगे? इसमें पिछले काफ़ी लंबे समय से जो जो उनकी डिमांड्स हैं उस पर हम लोगों ने भी मध्यस्थता की है और बहुत सारी बातें हमारी भी हुई हैं, आज भी ऐसा ही हुआ। तो VC साहब की और स्टूडेंट्स की बात हुई, उससे पहले हम लोगों की स्टूडेंट्स से काफ़ी कई 2-2.5 घंटे बात हुई और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात हुई। मल्टीपल स्ट्रेटजी के तहत जो है अब आगे काम करने पर विचार किया गया और जो उनकी जितनी भी ग्रीवांसेज हैं स्टूडेंट्स की उन्होंने अपनी बताई हैं
ये भी बताया कि आप पिछले कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनको ये लगता है कि संवादहीनता है जो एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं होना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको लेके उनमें आक्रोश है और उसमें उन्होंने जो कार्रवाई की मांग की, उन सभी विषयों को वीसी साहब ने बड़े लंबे समय तक सुना और सभी में 3 दिन में एक सख्त एक्शन लेने की बात कही है। रही बात जो हम लोगों को करना था, तो हम लोग गिरफ्तारी कर चुके हैं और भी जो नाम सामने आएंगे पूछताछ के बाद में उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, चीफ प्रॉक्टर की बात आ रही है, चीफ प्रॉक्टर की गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी, जो उनके खिलाफ मुकदमा भी जाती बोलेंगे माना होता तो शायद दोनों की मौत नहीं हुई। इसकी हम लोग जांच करेंगे कि उन्होंने कौन सी किस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है यूनिवर्सिटी स्टार ऑफिस के कार्यालय में, हाँ ये उन्होंने बताया है, उसको हम जांच करेंगे क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, कब इन्फॉर्मेशन दी गई थी। और ये कुछ दिनों से ये विवाद इनका आपस में चल रहा था जिस पे दोनों पक्षों ने 307 का मुकदमा लिखा गया था, उसमें गिरफ्तारियाँ भी हुई थी दोनों पक्षों से। और अन्य बिंदु जो है, अगर किसी में शॉर्टकमिंग्स रही हो, जो बताया जा रहा है यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उस बिंदुओं की जांच करें।